आइए आज के इस एपिसोड के माध्यम से जानते हैं सर्दी, खांसी, जुकाम, बदन दर्द और कमर दर्द के साथ साथ पेट दर्द, कब्जियत और घुटनों के दर्द को सिर्फ एक छोटी सी औषधि यानी कि 5 ग्राम की मात्रा आपके लिए काफ़ी होगी और काफ़ी सस्ती और हर जगह उपलब्ध होने वाली ये औषधि है। जी हाँ, और सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है, इस मौसम में ये बीमारियां घेर ही लेती हैं, तो इनको दूर करने के लिए आइए जानते हैं सबसे बेस्ट उपाय के बारे में। सुबह खाली पेट सप्ताह में आपको एक बार एक चाय का चम्मच अजवाइन मुंह में रख लेना है और पानी से इसको निकल लेना है, चबाना नहीं है। ध्यान रखें, एक बार और ध्यान से सुन लें, आपको करना क्या है, सुबह सुबह खाली पेट यानी कि जब आप कुछ भी खाना न खाए हों ना ही कुछ पिए हों, तब सप्ताह में एक बार एक चाय के चम्मच के बराबर अजवाइन मुंह में आपको रखना है और पानी से इसको निगल लेना है, चबाना नहीं है। इससे सर्दी, खांसी, जुकाम, बदन दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द, कब्जियत और अगर घुटनों में आपके दर्द होगा तो वो पूर्णतः खत्म हो जाएगा। 10 साल से अगर छोटा बच्चा हो यानी कि उसकी उम्र 9 साल या उससे भी छोटा हो तो उसको आधा चम्मच यानी कि 2 ग्राम की मात्रा दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं दीजिए, और कम से कम 2-3 साल से ऊपर के बच्चों को ही दीजिए, और 10 से ऊपर सभी को 1 चम्मच यानी कि 5 ग्राम मात्रा आप दे दीजिए। 5 ग्राम की मात्रा सभी के लिए सफिशियंट है, बाकियों के लिए जिनकी उम्र 10 साल से ऊपर है आपको बस सप्ताह में एक दिन इसे अपने मुंह में रख करके और डायरेक्ट पानी के साथ निगल लेना है। इससे आपको पूरी सर्दियों में अच्छा रहेगा, सप्ताह में एक दिन अपनाएंगे तो आपको समस्या नहीं होगी। जी हाँ, तो ये आज की वीडियो रही आप सभी के लिए जो कि सर्दी, खांसी, बुखार से लेकर के बदन दर्द, कमर दर्द और कब्जियत जैसे और घुटनों के दर्द जैसी समस्याओं से राहत दिलाने से संबंधित रही। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ये वीडियो आप सभी देख रहे थे आयुर्वेदिक उपचार चैनल के माध्यम से, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, विदा लेते हैं इस एपिसोड से, जुड़ेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।